भाई भी 2022 के मैच नंबर 11 में चेन्नई सुपर किंग को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। और गाइस इन सभी चीजों के बीच में क्या न्यूज निकल के आ रही है, क्या क्या चीजें कल हुई और अगले मैच से हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एकदम क्लियर कट बात होने वाली है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग टॉस से स्टार्ट करते हैं। तो टॉस यहाँ पे जडेजा ने फाइनली पहली बार टॉस जीता और इन्होंने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। और वहां पे बात की जाए चेन्नई की टीम में एक चेंज हुआ था, जहां पे बात किया जाए तो तुषार देशपांडे की जगह पे क्रिस जॉर्डन को टीम में लाया गया था। क्रिस जॉर्डन 100% फिट नहीं थे, कल ही यहां पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे और तुरंत इन्होंने मन बना लिया था कि मैं चेन्नई के लिए डेब्यू करूंगा। और यहां पे सेम यही चीज देखने को मिला कि 100% फिटनेस ना होने के बावजूद क्रिस जॉर्डन जो कि जिस पेस से डालते उस पेस से डाल नहीं पा रहे थे कल, लेकिन तब भी इन्होंने अपने प्लेइंग 11 में कंटिन्यू रखा, अच्छी गेंदबाजी करी। उसके बाद फाइनली बात किया चेन्नई ने काफी अच्छी स्टार्टिंग यहाँ पे कर दी थी, यहाँ पे 2 विकेट स्टार्टिंग में जल्दी यहाँ पे चटका दिए थे, लेकिन सभी चीजें तब पलटी जब लियाम लिविंगस्टोन ने अपने शॉट्स खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने शानदार शॉट्स खेले, उसके बाद चेन्नई की बॉलिंग एंड में आते आते अच्छी गेंदबाजी करी और 180 पे यहाँ पे टारगेट को रोक दिया। और एक समय पे ऐसा लगा था कि चेन्नई ये मुकाबला जीत सकती है क्योंकि ड्यू बड़ा फैक्टर बनने वाला है, लेकिन ड्यू यहाँ पे आया ही नहीं। मात्र 50% ड्यू आया था, लेकिन स्टार्टिंग में चेन्नई ने जब 30 रन पे 5 विकेट खो दिए तो वहां पे जीत को लगाम लगा पाना, ले आ पाना काफी मुश्किल था। उसके बाद संघर्ष जारी था, धोनी ने अच्छी बैटिंग करी, उसके बाद शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन तब भी चेन्नई को बड़े अंतर से यानी कि लगभग 54 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और गाइस ये इनके कैंपेन की तीसरी हार है। तो गाइस इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब हम लोग क्लियर कट बात करने वाले हैं न्यूज को लेके। तो गाइस जो सबसे पहली अच्छी खबर यहाँ पे इस मैच से ये निकल के आई, शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ गाइस शिवम दुबे ने लगातार दूसरे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी है, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनका साथ कोई बल्लेबाज नहीं दे रहा है। फिर से वही चेन्नई का कोलैब स्टार्ट हुआ जो पहले मैच में हुआ था, वो इस मैच में फिर से हमें देखने को मिला। एंड में आके आपके बल्लेबाज अच्छा खेल रहे हैं, फिनिशर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके स्टार्टिंग विकेट जल्दी गिरते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे शिवम दुबे काफी बड़े पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे इस साल चेन्नई के बड़े प्रॉमिसिंग खिलाड़ी बनने वाले हैं। मैं आपको रेजी अंदर के बारे में बताना चाहूंगा। रेजी अंदर 2010 से इंडिया में काम कर रही है और यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल 160 से ज्यादा गेम्स खेल के करोड़ों रुपए जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पे ऑपरेट होता है और यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो नीचे कमेंट हुए पिन से यहाँ पे इनके टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करें। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले अगले चीज के बारे में और यह है क्रिस जॉर्डन की बॉलिंग। हाँ गाइस क्रिस जॉर्डन को मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ये 100% मैच फिट नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे और अगले मैच आते आते तक ये 100% फिट हो जाएंगे। तो क्रिस जॉर्डन से और अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद रहने वाली है और ये काफी बड़ा पॉजिटिव ये निकल के आ रहा है कि जो चेन्नई की बॉलिंग एक तरीके से लगातार गड्ढे में चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो विदेशी खिलाड़ी है, जो आउटसाइडर्स खिलाड़ी है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी का क्रम रखा है। भले वो जोन प्रिटोरियस हो, डीजे ब्रावो हो या फिर क्रिस जॉर्डन हो, ये तीनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी है और यहाँ पे यही चीज हमें देखने को मिला है। उसके बाद फाइनली बात की जाए अगले चीज के बारे में और ये रहने वाला है ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म। हाँ गए ऋतुराज गायकवाड़ लगातार अच्छे फॉर्म में दिखते हुए नजर नहीं आ रहे, 0-1-1 यानी मात्र 2 रन इस आईपीएल बनाए, जो कि खिलाड़ी पिछले दफा पूरी तरीके से ऑरेंज कैप जीत चुका है, आपके टीम में रिटेन हुआ है, उससे काफी बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद है, लेकिन वो सब चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऋतुराज गायकवाड़ का संघर्ष स्ट्रगल लगातार जारी है, भले ही जडेजा ने इंटरव्यू में कहा है कि ये खिलाड़ी काफी बेहतरीन है, इन्हें हमें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है और एक बार अगर ये फॉर्म में आएंगे तो उसके बाद आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अब देखना होगा वो फॉर्म कब आता है, क्योंकि पिछले 2 साल से यही देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग के 3 मुकाबलों में तो ऋतुराज अच्छा नहीं खेलते, 4th मुकाबले में खेलते, तो यहाँ पे अगले मुकाबले में उम्मीद रहने वाली है कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। तो गाइस उसके बाद फाइनली बात करें तो यहाँ पे जडेजा को क्या हो गया है, जडेजा बिल्कुल ही फ्लॉप दिखते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर कप्तानी का प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्हें कप्तानी का प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपके पास धोनी है, धोनी ऑटोमेटिकली सभी फेज से फिट कर रहे हैं। उसके बाद कप्तानी का 50-70% जो जिम्मा है वो धोनी खुद उठाए हैं, पूरी तरीके से काम धोनी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जडेजा को उतनी ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है ही नहीं, उन्हें अपने बॉलिंग बैटिंग पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वही सब चीज देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें ये देखना होगा कि जडेजा जो ऊपर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, थोड़ा सा अब ये नीचे आए, यहाँ पे फिनिशर का काम जो कि पहले करते थे वो जडेजा करते हुए नजर आए, तो यहाँ पे काफी अच्छी बात रही क्योंकि एंड में आकर अगर तेजी पारी खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली चेन्नई को फायदा होने वाला है। स्टार्टिंग में आप जो बैट्समैन है शिवम दुबे है, बाकी खिलाड़ियों को आप खेलने दीजिए,
जडेजा को थोड़ी लास्ट में आने की जरूरत रहने वाली है। उसके बाद फाइनली हम लोग बात किया जाए अगले चीज के बारे में, तो यहाँ पे इंडियन गेंदबाजी काफी बड़ा ट्रबल कर रहा है। हाँ गाइस, पूरे मैचेस में हमें यही देखने को मिला है, अभी तक तीन मुकाबले चेन्नई हुए हैं, तीन के तीनों मुकाबले में हमें ये देखने को मिले हैं कि जो इंडियन गेंदबाज है वो काफी ज्यादा यंगस्टर है, नहीं तो वो अच्छी गेंदबाजी कर ही नहीं पा रहे हैं। भले वो जडेजा गेंदबाजी करें, विकेट लेने में नाकामयाब रह रहे हैं। उसके बाद अगले चीज की बात करें तो यहाँ पे मुकेश चौधरी जो कि विकेट तो स्टार्टिंग में लिए थे लेकिन 52 रन दे डाल रहे हैं। उसके बाद तुषार देशपांडे जो कि विकेट कहीं नहीं ले पा रहे हैं, सब चीजों का यहाँ पे दिक्कत चलता हुआ नजर आ रहा है। और इंडियन कोई खिलाड़ी को यहाँ पे सामने आना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे होगा तो यहाँ पे चेन्नई लगातार गेंदबाजी में अच्छा नहीं कर पाएगी। उसके बाद पहली बात किया जाए अगले चीज के बारे में, तो यही मैं बात करने वाला हूँ, मुकेश चौधरी जो कि आपके इंडियन खिलाड़ी है, इंडियन गेंदबाज है, वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। तो वैभव अरोरा जो कि पहला मैच खेले थे, डेब्यू कर रहे थे पंजाब किंग्स की ओर से, उन्होंने शानदार गेंदबाजी करी थी, उनसे कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि चेन्नई के गेंदबाज हैं, धोनी आपके पीछे हैं, आप तब भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका काफी बड़ा यहाँ पे दिक्कत है। मुकेश चौधरी यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, नहीं तो इन्हें टीम पे हटा के आप राजवर्धन को टीम में शामिल करिए, राजवर्धन अच्छी गेंदबाजी आपको करके देंगे। उसके बाद फाइनली बात किया जाए तो अगले चीज के बारे में, और ये है बड़े स्ट्रेटजीज को लेकर। हाँ, अगला मुकाबला इनका 9 तारीख को होने वाला है, और 9 तारीख को जो मुकाबला है वो हैदराबाद से होने वाला है, और यहां पे चेन्नई को जीत का स्टार्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये मुकाबला ये गवाए तो आईपीएल 2022 बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चेन्नई को जो जीतने के चांसेस है वो मात्र 30% ही रह जाएंगे, अभी भी अच्छे काफी चांसेस हैं, अभी भी यहाँ पे बैकफायर करेंगे तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, सब चीजें पटरी पे लौट आएंगी, लेकिन वो जीत ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि चेन्नई के पास वो चीजें रहती हैं कि एक बार जब जीत के पटरी पे पहुंचते हैं तो लगातार 7-8 मुकाबले जीतते चले जाते हैं, हार जल्दी इन्हें मिलती ही नहीं। ये सब चीजें अब चेन्नई को यहाँ पे देखनी पड़ेगी और लगातार स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। और अगले मैचेस में हमें उम्मीद है जो कि 9 तारीख को है, सब चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई नजर आए। लगातार गाइस यहाँ पे अभी भी चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंच सकती है, उसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा, सब चीजों के ऊपर वीडियोस बनने वाले हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन जाइए, वहां पे लगातार आपसे हम कनेक्ट रहते हैं। सो गाइस चलिए फिर वीडियो एंड करते हैं, और हम लोग ये जरूर से आशा करते हैं कि चेन्नई अब अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाए। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं आपको एनालिसिस के साथ।